अंपायर की तरफ देखने उंगली ना खड़ी कर रेडी पहले भी स्क्वाड में आए थे अभी आप कितने उम्मीद हो कि आपको टीम में आए हो तो प्लेइंग 11 में भी मौका मिलेगा उसके लिए क्या बीइंग ए प्रोफेशनल मैं भाई ये कहूँगा कि हर प्लेयर यही सोचता है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ तो पहले भी मैं टीम का हिस्सा बना हूँ और पर्सनली मैं ये सोच रहा हूँ कि अच्छा ही हुआ है मैं नहीं खेला अब अल्हम्दुलिल्लाह वापस आया हूँ बहुत सारी चीज़ें जो मुझ में मतलब मैं समझता था जहाँ पर मैं लैग कर रहा हूँ वो उस पर काम किया इंशाल्लाह अब जो है ना पूरा उम्मीद हूँ कि वो मैं खेलूँगा और परफॉर्म करूँगा आप बिल्कुल जिस तरह आपने कहा है कि पाकिस्तान में ये पहले भी इस चीज़ के बारे में बड़ा कहा जाता है कि रज़ाक भाई जो हैं उनकी कमी है तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे जितना भी कर सकते हैं टीम के लिए बेहतर जो है इंशाल्लाह चाहे वो बॉलिंग में हो या बैटिंग में हो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बेहतर कर सकें इमाद आप आपका आइडियल ऑलराउंडर कौन है दूसरा मैं पूछ रहा हूँ लेफ्ट में आपने बाबर आजम को बॉलिंग की है तो कितना टफ होता है उनके सामने बॉल करना जिस टाइप के वो बैट्समैन है नो डाउट के बाबर आजम जो है माशाल्लाह वर्ल्ड क्लास अब बैटिंग कर रहा है मुश्किल है बिल्कुल कल मार भी बड़ी खाई है तो इंशाल्लाह लेकिन ये है कि एक आप कह सकते हैं पहले हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर को कब बॉलिंग करेंगे अब माशाल्लाह हमारी टीम में है तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिल रहा है पर्सनली और आपका फेवरेट कौन है फेवरेट जो है मेरा तो आप कह सकते हैं फ्लिंट ऑफ है जो मुझे पसंद है पर्सनली कैलिस है वो मुझे पसंद है अपना होम ग्राउंड है और अगर इसमें मौका मिलता है तो क्योंकि बहुत से खिलाड़ियों का ख्वाब होता है कि अपने होम ग्राउंड में खेलें उसके लिए कितनी तैयारी की है बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एक्साइटेड हैं पाकिस्तान में जो है अब टीमें आ रही हैं इंटरनेशनल तो एक्साइटेड हैं अपनी कंट्री में खेलना वैसे ही पाकिस्तान के लिए खेलना लेकिन अपने कंट्री में खेलना एक ऑनर की बात होती है कैसा मुकाबला देखते हैं आप बांग्लादेश से समझते हैं आसान हरीफ है या थोड़ा सा उसके लिए भी टफ फाइट करना पड़ेगी नहीं देखें इससे पहले भी हम लोग जो है ना श्रीलंका जो हम लोग कह रहे हैं कि वो इतनी अच्छी टीम नहीं है बांग्लादेश तो बहुत अच्छी टीम है माशाल्लाह हम लोग जो है पूरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ना वो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे इनके अगेंस्ट बांग्लादेश की अमाद एक तो आपका डेब्यू होने जा रहा है उसके अलावा एक ये एक होम कंडीशन में खेलने का एक प्रेशर इसके अलावा एक T20 वर्ल्ड कप की जो कंसिडरेशन होगी इस परफॉर्मेंस पर तो वो कितना एक्स्ट्रा प्रेशर आपको ऐड कर रही है इस परफॉर्मेंस में इस सीरीज़ में आपके लिए पहले तो शुक्रिया आपने बता दिया कि मेरा डेब्यू होने जा रहा है और दूसरा ये कि देखें एक चीज़ तो है कि इंशाल्लाह ताला हम लोग जो हैं कि एक कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा कर सकें बाकी जो है वो अल्लाह के हाथ में कोशिश है बस अब देखें एज ए ऑलराउंडर जो उन्होंने मुझे कंसिडर किया बिल्कुल वो बैक भी कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला और कोशिश भी है जिस तरह उनकी मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं मैं वो उस तरह जो है ना ग्राउंड में अपना 100% दे सकूं बस इंशाल्लाह बाकी जो अल्लाह करे सर जिस तरह बिन स्ट्रोक्स की आपने बात की है वो एक मुकम्मल ऑलराउंडर और मेरी भी यही कोशिश है कि चाहे वो बॉलिंग का शोबा हो चाहे बैटिंग का हो दोनों में मैं जो है ना परफॉर्म कर सकूँ ये नहीं कि बॉलिंग कर लूँ या बैटिंग कर लूँ इवन के फील्डिंग में भी मेरी यही 100% कोशिश है कि मैं अपने पूरे डिपार्टमेंट में ना परफॉर्म कर सकूँ हम आप क्या समझते हैं कि आप प्योर बैटिंग ऑलराउंडर आपको कंसीडर किया जाए या आपको बॉलिंग ऑलराउंडर कंसीडर किया जाए मेरी यही ख्वाहिश है कि मुझे ऑलराउंडर ही कंसीडर किया जाए ना कि बॉलिंग या बैटिंग जिस शोबे में भी आऊँ मैं दोनों में मेहनत कर रहा हूँ जहाँ मैं जब भी मौका मिले मैं उस डिपार्टमेंट में परफॉर्म कर सकूँ थैंक यू